हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है, खाना पीना से मैं फ्री हो चुकी हूँ सभी कामों से। तो यहाँ पे करने लगी हूँ मैं सुबह की तैयारी, सुबह नाश्ते की तैयारी। कुछ हमारी रेसिपीज ऐसी होती हैं जिनका हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं भिगा रही हूँ चना, 2 मुट्ठी चना मैंने भिगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे 2 कटोरी केवल चाट बनानी है सुबह। तो चने को आप देख लें, एकदम फ्रेश होना चाहिए, उनमें कोई कीड़े वगैरह नहीं होना चाहिए, घुन वगैरह नहीं होना चाहिए। साफ़ कर लें अच्छे से। और मैंने चने को भिगा दिया है और इनको मैं ढक के ऐसे ही रख दूंगी। और अपने लिए मैंने दूध गर्म किया है और मैं जा रही हूँ सोने। तो सभी को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे सुबह आ चुकी हूँ मैं किचन में, और जो चने हमने रात को भिगोए थे उनको हम बॉयल होने के लिए रखेंगे। तो पहले हम इनको कई पानी से धो लेंगे अच्छे से, कोई भी इनमें गंदगी ना रहे, डस्ट ना रहे बिल्कुल भी। और जो पानी है ना उसको हम फेंकेंगे नहीं, 2-3 पानी से हम धोएंगे और कोई भी पानी हम फेंकेंगे नहीं, हम एक बर्तन में उसको करते जाएंगे। और इस पानी को हम अपने पौधों में डालने में, पौधों में लगाने में यूज़ करेंगे। ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं। तो इसी तरीके से आप दाल का, चावल का, चने का, किसी का भी पानी फेंका ना करें और पानी पौधों में लगा दिया करें। उसके बाद हमने चने को कुकर में रख दिया और थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक आलू हम छील के इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अब मुझे ना एक ही आलू चाहिए था तो मैं अलग से बॉईल करती, इसलिए मैं इसी में ऐड कर दूंगी चने में ही। और वैसे मैं ना एक्स्ट्रा आलू रखती हूँ हमेशा बॉईल करके, लेकिन आज नहीं था। तो कुकर को मैंने रख दिया है गैस पे और मैं एक विशिल लगाऊंगी, उसके बाद 5 मिनट स्लो फ्लेम पे रखूंगी, क्योंकि हमारे चने जो है ना भीगे हुए हैं तो हो जाएंगे आराम से, इतने में गल जाएंगे, पक जाएंगे। तो मैं कुकर को खोल चुकी हूँ और जो आलू था उसको मैंने निकाल लिया है, क्योंकि आलू तो जल्दी हो जाएगा। अब हम चने को भी देख लेते हैं कि चने हमारे अभी हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो चने को मैं 2 मिनट के लिए और रख दूंगी। तो चने भी हमारे हो चुके हैं, तो चने और आलू दोनों ही हो चुके हैं हमारे। तो इसको मैं चने को पलट लूंगी और ये भगोना मैंने गैस पे रख दिया है, इसमें मैं बनाऊंगी चाय सूरज के लिए और अपने लिए। तो चाय के साथ मैं मतलब चने की चाट खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चाय को रख दिया है और जो चने थे ना उनको मैं पलट लूंगी। इस तरीके से मैं चने अलग कर लूंगी और इसका जो पानी है वो अलग कर लूंगी। और इस पानी को भी आप फेंकिएगा मत, या तो आप इसमें नमक तो पड़ा ही है उसमें, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और नींबू का रस डाल के आप पी सकते हो, और नहीं तो आप इसको सब्जी के ग्रेवी में यूज़ कर सकते हो। फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। और इधर हमारी चाय जो है बॉयल हो रही थी, तो मैंने उसमें दूध ऐड कर दिया है और हमारे जो चने थे ना उनका पानी अच्छे से निकल चुका है। तो इसको मैं अलग रख लेती हूँ, ये जो पानी था मैंने एक बर्तन में कर लिया है, इसको मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी लंच में जब खाना बनाऊँगी तो। और इधर हम जो चने की और तैयारी है वो हमने कर ली है। तो इसमें हमने प्याज बारीक चॉप करके, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया ऐड कर दिया है। और पता है सूरज को फीवर आ गया, तो मैं उसको ना दवाई देने के चक्कर में मैंने मतलब उसको ना टैबलेट देनी थी, तो जल्दी में जो है ना जो आलू बॉईल किया था वो मैं इसमें डालना ही भूल गई। तो और इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है और थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा भुना जीरा। इतने मसाले मैंने ऐड किए हैं। आप चाहें तो तड़का लगा के भी चाट को बना सकते हैं, पर इस तरीके से बना के आप देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। रियल में आप बना के देखिएगा, बहुत
मतलब बहुत टेस्टी और हेल्दी हमारी चाट जो है बन के रेडी हो चुकी है। रियली बहुत टेस्टी थी। बस मैं आलू बॉईल किया और मैं आलू डालना इसमें भूल गई, आलू ऐड करना बिल्कुल भूल गई। सूरज को फीवर आ गया तो मतलब इस वजह से वो कह रहा था कि दे दो मुझे नाश्ता, तो मुझे ना दवा खानी है, तो मैं जल्दी जल्दी में बिल्कुल भूल गई। और यहाँ पे मैंने सूरज के लिए सर्व कर लिए हैं, तो सूरज को देने जा रही हूँ। और उसके बाद मैंने अपने लिए सर्व की और मैं छत पे जाके मैंने धूप में की, क्योंकि कई दिनों के बाद धूप निकली है। तो हल्की थी धूप, लेकिन फिर भी मैं छत पे चली गई और मैंने छत पे जाके नाश्ता किया, क्योंकि मैंने सोचा मेरे बाल भी सूख जाएंगे, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था तो मेरे बाल जो है गीले थे, तो मैंने कहा बाल भी सूख जाएंगे, धूप लग जाएगी बालों में थोड़ा, और मैं नाश्ता भी कर लूँगी। तो मैं छत पे चली गई और वहाँ पे मेरे पौधे भी रखे हैं ना, तो मुझे ना पौधों के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।